Good evening, students. Let's get started. The first word is paradox. What is paradox? It is basically noun. When there is something anomaly, we have discussed the word anomaly. It means something abnormal. There are many anomalies in the education system. ठीक है, इस तरह आप बात कर सकते हैं. Paradox क्या है? It means a person, thing or situation that has two opposite features and therefore seems strange. Two opposite features at the same time. You have, जैसे हमने word discuss किया था, ambivalent, positive and negative feeling at the same time. Countable भी है, हम इसको uncountable भी use कर सकते हैं. Second meaning है a statement containing two opposite ideas that make it seem impossible or unlikely, although it is probably true. The use of this in writing, a situation or statement that seems impossible or is difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. Sentences we have, he was a paradox. EM dash हमने use किया. Paradox का मतलब कि a loner who loved to chat to strangers. वो सोशल होना तो पसंद करता है लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ और अकेला रहना भी चाहता है. तो पैराडॉक्सिक, जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है. पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, आप पॉजिटिव भी उसके बारे में बात करके, आप नेगेटिव भी बात करके. इसी तरह पर्सनैलिटी के लिए नाउन है, आप इसके साथ पर्सन का वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या लिखेंगे, किसी पर्सनैलिटी के लिए लिखना है तो पैराडॉक्स, चैटिंग, सोशल होना पसंद करता है लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ और अकेले रहना पसंद है. सेकेंड है, इट इज अ क्यूरियस पैराडॉक्स दैट प्रोफेशनल कॉमेडियंस ऑफन हैव अनहैप्पी पर्सनल लाइफ. जो कॉमेडियंस होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो इतनी हैप्पी नहीं होती जितना वो कॉमेडी में शो कर रहे होते हैं, दूसरों को हैप्पीनेस दे रहे होते हैं. जैसे हमने वर्ड डिस्कस किया था इंटेंस फेलिसिटी, ठीक है, दूसरों को इंटेंस हैप्पीनेस देना, दूसरों की जिंदगी में वो खुशियां लेके आ रहे हैं लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो सैड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं. थर्ड वर्ड है हमारे पास, इट्स अ वर्क फुल ऑफ पैराडॉक्स एंड एम्बिग्विटी. आपको किसी काम के लिए कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा भी है, पॉजिटिव फीचर्स भी हैं, नेगेटिव फीचर्स भी हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन है, अनक्लियर है, अनऑब्वियस है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैराडॉक्स. फोर्थ है हमारे पास, इट्स अ क्यूरियस पैराडॉक्स दैट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर कैन ऑफन मेक यू फील थर्स्टी. तो ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट नहीं है कि जितना ज्यादा पानी पीते जाए हमें उतनी ज्यादा प्यास लगती जाती है. इस तरह आप इसको स्टेटमेंट के साथ भी यूज करेंगे जैसे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप पैराडॉक्स यूज करेंगे तो आपने इसको एज अ नाउन यूज करना है. इट मीन्स कंसिस्टेंसी है किसी जगह पे, कॉन्स्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है. इसके अलावा हमने एक वर्ड डिस्कस किया था इनिग्मैटिक, इनिग्मैटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा, मिस्टीरियस था कुछ, इनिग्मा, वो भी हम इसका एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा मैंने आपको वर्ड बताया एनोमलीज, ये मैं लिख देती हूँ, सारे ना इंटरलिंक्ड हैं. जैसे एनोमली हमने लास्ट 100 वर्ड्स में किया है, एनोमली एबनॉर्मैलिटी होती है. जैसे एक्सेप्शंस होती हैं, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं. देर आर मैनी एनोमलीज इन द एजुकेशन सिस्टम, एक्सेप्शंस होगी हमारे पास. इसके अलावा हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी है किसी चीज में. इसके अलावा हम कह सकते हैं कंफ्लिक्ट, मैच नहीं कर रही चीजें, जाहिर है एबनॉर्मैलिटी होगी, चीजें नॉर्मल से हट के जा रही हैं, तो फिर वो क्या क्रिएट करेंगी, कंफ्लिक्ट. हमने वर्ड डिस्कस किया था एनिग्मैटिक स्माइल, मिस्टीरियस स्माइल, तो इनिग्मा भी क्या था, वो भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. कुछ मिस्टीरियस है, मिस्ट्री है इसमें, कुछ कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटी है इसमें. ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए पैराडॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं. पैराडॉक्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नाउन. इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर हम किसी इसको एडजेक्टिव यूज करें तो फिर हम क्या लिखेंगे, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. जो लोग दूसरी बातें करते हैं, इसके अलावा हमने यही वर्ड डिस्कस किया था एम्बिविलेंट. एम्बिविलेंट क्या था, ऑपोजिट फीलिंग एट द सेम टाइम.
पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इस तरह ये सारे वर्ड्स जो है ना सिनोनिम है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास, इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए, एम्बिग्विटी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, एनिग्मा, कंफ्लिक्ट, मिस्ट्री, अब्सर्डिटी भी लास्ट डेज में हमने एक वर्ड के साथ डिस्कस किया था, अब्सर्डिटी कुछ कंफ्यूजन होती है, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आप, चीजें नॉर्मल नहीं है, नॉर्मैलिटी की तरफ नहीं आप जा रहे, आप अब नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास नॉर्मैलिटी, सर्टेनिटी, अब ऑब्वियस होते हैं किसी चीज के लिए, पैराडॉक्सिकल का मैंने आपको वैसे बता दिया, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैरडी, पैरडी का मतलब होता है आप किसी को इम्यूलेट करते हैं, यू कांट इम्यूलेट मी, किसी की कॉपी नहीं कर सकते, मिमिक्री हमें हमारे पास एक वर्ड है, किसी का मजाक उड़ाना, मिमिक्री। कैरिकेचर एक हमारे पास ये भी वर्ड है, कैरिकेचर, उसमें क्या होता है आप दूसरों की कॉपी कर रहे होते हैं, उसको जिसे कहते हैं फॉलो करना, कॉपी करना, या आप इसके लिए एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। पैरोडी बेसिकली क्या है, नाउन, अ पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है, म्यूजिक, एक्टिंग एटसेट्रा, दैट डिलिबरेटली कॉपीज द स्टाइल ऑफ समवन, आप किसी की कॉपी कर रहे हो समटाइम उसका मजाक उड़ाने के लिए, मिमिक्री करने के लिए। सेकेंड है हमारे पास समथिंग दैट इज सच अ बैड और एन अनफेयर एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इट सीम्स सिली, बेसिकली आप किसी के जैसे कहते हैं ना म्यूजिक का, किसी की आर्ट का, किसी की स्पीच का, किसी की राइटिंग, किसी की स्किल का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं उसके स्टाइल को, कॉपीज द स्टाइल ऑफ समवन फेमस और कॉपीज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मेकिंग द फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ द ओरिजिनल मोर नोटिसेबल इन अ वे दैट इज ह्यूमरस, आप उसको फनी वे में ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको पर्सनैलिटी के साथ यूज कर सकते हैं, हिज पर्सनैलिटी मेड हिम एन ईजी सब्जेक्ट ऑफ पैरोडी। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनका मजाक बनाना आसान होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी के लिए अगर कुछ लोग होते हैं मासूम होते हैं, नाइव यूज कर सकते हैं, क्रेजुलस ये आप यूज कर सकते हैं, आर्टलेस जो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट भी आप जिन लोगों को इजीली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके अख्तियार में होते हैं वो लोग, तो आप उनके साथ ये वर्ड यूज कर सकते हैं, उनको इजीली इन्फ्लुएंस करना, उनको इजीली कंट्रोल करना, तो वो बेसिकली क्या है उनकी इजी सब्जेक्ट ऑफ पैरोडी, ठीक है, इजी सब्जेक्ट ऑफ पैरोडी हो गया, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं। द ट्रायल वॉज अ पैरोडी ऑफ जस्टिस, वहां पे इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक ट्रायल था। थर्ड में हमारे पास देयर इज अ हिंट ऑफ सेल्फ पैरोडी इन हिज लेटर पेंटिंग्स, उसने अपनी जो लेटर पेंटिंग थी उसमें सेल्फ पैरोडी अपनी ही कॉपी करने की कोशिश की है, अपने ही पॉइंट को क्या किया एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सेल्फ पैरोडी अपनी ही कॉपी करना, इम्यूलेट करना, सेटायर ये इसका सिनोनिम है, मिमिक्री मैंने आपको बताया, टेक ऑफ करना, इमिटेट करना, इमिटेशन ये भी हमारे पास एक वर्ड है, इमिटेशन, कैरिकेचर, एक हमारे पास हाई साउंडेड वर्ड्स में ही हम पढ़ेंगे कैरिकेचर, आप किसी जैसे कहते हैं ना कार्टून बना के किसी की नकल उतारना, किसी का मजाक उड़ाना, तो आप वो क्या कर रहे हैं कैरिकेचरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वर्ड यूज किया था इम्यूलेट, यू कांट इम्यूलेट मी, आप आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कह सकते हैं सम टाइम अच्छे मूड में तुम मेरी कॉपी नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है मेरे तक पहुंचना, यू कांट इम्यूलेट मी ये कह सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने आपको बताया टेक ऑफ करना, कंट्रोल करना, ये भी बेसिकली आप किसी को क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद है जी हमारे पास मिमिक्री, मैंने आपको बता दिया। एंटोनिम्स में हमारे पास हम किसी का प्रेज कर रहे हैं, रियलिटी के बारे में बात करना, रियलिस्टिक होना किसी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास पार्टीजन, आप इसको एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज ए नाउन भी। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली, जैसे पार्टीजन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हो सकते हैं, अपने पास ये वर्ड नोट कर लें, ये आपको काफी जगहों पर हेल्प आउट करेगा, स्पेशली जब आप सेलिब्रिटीज के ऐसे लिख रहे होंगे, राइटिंग टास्क टू में आपको सेलिब्रिटीज के ना काफी ऐसे लिखने पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स भी लिखवाती हूँ। अडहेरेंट, ठीक है, आप किसी के बहुत स्टक हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं उस चीज पे, बस यही है, आप उसके अलावा सोचते ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, जो कुछ है वही है। फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा करना, बायसनेस करना,
तो आप एडहेरेंट होते हैं, फॉलोअर होते हैं किसी पार्टी के, तो आप क्या यूज करेंगे, पार्टीजन. फर्स्ट मीनिंग क्या थी हमारे पास, शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली. सेकेंड है हमारे पास स्ट्रांगली सपोर्टिंग अ पर्सन प्रिंसिपल और पोलिटिकल पार्टी ऑफन विदाउट कंसिडरिंग और जजिंग द मैटर वेरी केयरफुली. आप चीज़ों को केयरफुली नहीं देख रहे, बस आपको कोई चीज किसी में पसंद आ गई, आप उसके स्ट्रांगली फॉलोअर बन गए. आर्डेंट लवर के भी एक एक्सप्रेशन है, मैं आपको लिखवाती हूँ, ये अपने पास नोट कर लें, ये टास्क टू में काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा. फर्स्ट टाइम आई पास मोस्ट न्यूज पेपर्स आर पोलिटिकली पार्टीजन. न्यूज पेपर्स में क्या किया जा रहा होता है, और लार्ज नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स क्या कर रहे हैं, पोलिटिकली पार्टीजन, फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक पार्टी की. सेकेंड है हमारे पास द ऑडियंस वॉज वेरी पार्टीजन एंड रिफ्यूज टू लिसन टू हर स्पीच. सिनोनिम्स है हमारे पास डिफेंडर सपोर्टर, एंटोनिम्स है हमारे पास एडवर्सरी ओपोनेंट. अब जी अगर हम इसके वर्ड्स लिखें तो वो हम क्या लिखेंगे, आर्डेंट लवर, ये भी हाई साउंडेड वर्ड है, मैंने आपको बताया एडहेरेंट फॉलोअर. सेलिब्रिटीज का आप वहां पे एक रीजन में ये मेंशन कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अर्निंग जो है ना मिंटिंग मनी ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस. देखा जाए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सेलिब्रिटीज वो अर्निंग नहीं कर रहे. तो आप इस बात पे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या डिस्कशन पे क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहेंगे कि उनके एडहेरेंट फॉलोअर्स होते हैं, उनके आर्डेंट लवर्स होते हैं, उनके पार्टीजन होते हैं, वो उनकी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं वो उनके लिए इनकम जनरेट नहीं कर, उनके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास वो ज्यादा मिंटिंग मनी कर सकते हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं. उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं. तो इस तरह आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर, ये भी हमारे पास एक वर्ड है. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड में हम अगर बात करें पैट्रनाइज, बहुत मजे का वर्ड है ये, जैसे किसी की चापलूसी करना. इसमें आपको मैं एक सेंटेंस भी बताती हूँ लिखा हुआ मैंने, ये बेसिकली हम एज अ वर्ब यूज करते हैं. पैट्रोनाइज क्या करते हैं, समटाइम ना आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन आपका जो हेल्प करने का स्टाइल होता है ना वो तरस करने वाली, आप वैसे किसी की हेल्प नहीं कर रहे होते, आपको तरस आ जाता है, आप हमदर्दी में, जैसे ना जैसे हमदर्दी की नजर में आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, आपका दिल नहीं होता, लेकिन सिर्फ तरस आ जाता है, तो चलो अभी कहते हैं यार इस लेवल का बंदा नहीं है, लेकिन चलो उसकी हेल्प कर दो. इस तरह अगर हम बात करें पैट्रोनाइज की, टू ट्रीट समबडी इन अ वे दैट सीम्स फ्रेंडली, नजर तो फ्रेंडली आ रहा है बट विच शोज दैट यू थिंक दैट दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस एटसेट्रा. आपको पता है कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आप उसके साथ बड़ा फ्रेंडली करते हैं. Patronize something to be a regular customer of a shop, restaurant. Third, I have asked to speak to or behave towards someone as if they are stupid or not important. आपको पता है idiot है, stupid है, तो बस important नहीं है, लेकिन help out कर दो, इस तरह आप कर रहे होते हैं. Some television programs tend to patronize children. जो TV programs होते हैं कुछ, उसमें क्या किया जा रहा होता है, बच्चों को patronize किया जा रहा होता है, उनके जो माइंड है वो पॉलिश किए जा रहे होते हैं. ह्यूमिलेट भी आप इसके लिए सिनोनिम यूज कर सकते हैं. सेकंड है हमारे पास द क्लब इज पैट्रोनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड लोकल्स अलाइक. स्टॉप पैट्रोनाइजिंग में, आपको लगे कि कोई आपकी चापलूसी कर रहा है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं स्टॉप पैट्रोनाइजिंग में. आई नो वेरी वेल अबाउट दिस इशू, आई नो व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. स्टॉप पैट्रोनाइजिंग में, आई अंडरस्टैंड द प्ले एज वेल एज यू डू. मुझे सारे ड्रामे की समझ आ रही है जो तुम कर रही हो. ये चीजें जो है ना, आप पैट्रोनाइजिंग समथिंग, पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रन, क्लब इज पैट्रोनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे आप किसी की फेवर कर रहे हैं, स्कॉर्न करना, बी ग्रेशियस टू, कि आप इसके टॉक डाउन टू, पुट डाउन करना, जैसे हमने फ्रेज़ अबाउट डिस्कस किया था, पुट डाउन, किसी को जलील करना, ह्यूमिलिएट करना, टॉक डाउन टू, ये हम इसके लिए ऐसा सिनोनिम यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स में हमारे पास अपोज, इग्नोर, आप उसकी मुखालफत में चले जा रहे हैं. यहां तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. एनी इशू?
let's keep recap the previous words. The first one is milieu. It is basically atmosphere, environment. इस तरह आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. Noxious क्या है? Poisonous हो सकता है. Nuance ये क्या है? Distinction होना. Oblivion, state of oblivion में चले जाना, गुमनामी की हालत में चले जाना. एक famous personality का अचानक से गायब हो जाना. Obscure क्या है? Hidden. Obtuse, जानबूझ के ऐसे behave करना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुंजेहन बन जाना. Opaque, non-transparent, कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें. Orthodox, orthodox के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जिनका बहुत strict belief होता है, वो उस चीज से हटते नहीं है. जैसे कुछ पुराने लोग देखे जाएं, कन्वेंशनल देखे जाएं, ट्रेडिशनल देखे जाएं, तो क्या वो लोग अपनी रवायात के साथ बहुत जुड़े हुए थे. एज कम्पेयर टू यूथ, हम लोग अपनी रवायात के साथ उस तरह से नहीं स्टक जिस तरह वो लोग स्टिक हुए हैं उस पर. मैंने इसके लिए आपको बताया था डॉगमेटिक बिलीव्स, डॉक्ट्रिनरी अप्रोच, ऑर्थोडॉक्स. ये तीनों वर्ड अपने पास नोट कर लें. कल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे आएगा या कोई क्यू कार्ड आ जाता है तो वहां पर ये थ्री वर्ड यूज हो सकते थे. ऑस्टेंसिबल का हमने डिस्कस किया था कि झूठी रीजंस, ऑस्टेंसिबल गोल्स हो सकते हैं हमारे पास, ऑस्टेंसिबल रीजंस हो सकती हैं. इस तरह रिएक्ट करना कि जैसे बात कुछ और है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आप उसके साथ ऑस्टेंसिबल रीजंस दे रहे हैं, फेक रीजंस. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑस्टेंटिशियस. ऑस्टेंटिशियस बेसिकली लाइफस्टाइल के साथ होता है, शो ऑफ करना. आप जान के अपनी प्रॉपर्टी, मनी, वेल्थ उसको शो कर रहे हैं. ये मैंने कहा था ऑस्टेंटिशियस लाइफस्टाइल आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं. हाउस ओनरशिप, व्हीकल ओनरशिप, कार ओनरशिप पे अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये क्यों कार्ड होता है कि लोग आजकल क्यों गाड़ियां लेना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेटस कॉन्शियस है. ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल वो डिमांड कर रहे होते हैं, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास पैल्पेबल. पैल्पेबल का मतलब होता है क्लियर, विजिबल. आप इसको फील कर सकते हैं, इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है, हम उसको टच करके फील कर सकते हैं. पैल्पेबल पैराडाइम का मैंने बताया था, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, जैसे रिसर्च पैराडाइम होते हैं हमारे पास. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मैंने आपको बता दिया, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती हैं हमारे पास. इसके अलावा कंट्राडिक्ट, इनकंसिस्टेंसी, इनिग्मा, ये हमने वर्ड डिस्कस किया. पैराडी, पैराडी क्या है? मिमिक्री, इम्यूलेट करना किसी को, कॉपी करना. पार्टीजन, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर होते हैं आप किसी के. इसके अलावा अडहेरेंट फॉलोअर, अर्डेंट लवर होते हैं आप, सपोर्टर. इस तरह चैंपियन, फ्रीडम फाइटर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. पैट्रोनाइज, किसी की चापलूसी करना. इसके अलावा ट्रीट इन अ वे दैट इज अपेरेंटली काइंड और हेल्पफुल बट दैट बी ट्रेस, वो आपको धोखा दे रहे होते हैं, उस तरह बात नहीं कर रहे होते जिस तरह वो शो कर रहे हैं. बेसिकली वो अपनी स्पियरिटी शो कर रहे हैं आप पे. तो ये आप टॉक डाउन टू, पुट डाउन करना किसी को, जलील करना, ह्यूमिलिएट करना, वहां पे आप पैट्रोनाइज जो है ना वर्ड यूज कर सकते हैं. जी इसका आप बताएं पैराडाइम. Ma'am, it's a model like layout of something like we do in our research program. First, we make up layout of the whole research. Zubi, parody. Parody, personality or self parody karna. Mm-hmm. Zubi, aap hi batayenge mujhe palpable. Palpable. Parable, I think tension, nonsense, joy feeling. कोई ऐसी चीज जिसको feel किया जा सके, चीजें कहीं touch करती हो. Budget, patronize. मैम patronize जो है वो अपनी किसी के ऊपर superiority को मतलब जाहिर करना होता है कि वो उससे superior और जो दूसरा होता है वो उससे इनफीरियर है. काशिफ, ऑस्टेंसिबल. मिस ऑस्टेंसिबल का मतलब ये है कि झूठी दलाइल देना किसी बात को प्रूफ करने के लिए. ऑस्टेंसिबल रीजंस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है ऑस्टेंसिबल? स्टेटमेंट हो सकती है किसी बात को प्रूफ करने के लिए. गोल्स हो सकते हैं, ostensible goals. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको उसे क्यू कार्ड पूछा जाता है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके,
या वैसे कोई जनरली क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी जॉब में, फ्यूचर गोल्स बताएं, आप वहां पे ये बात कर सकते हैं, ऑस्टेंसिबल गोल्स। ठीक है। ओके आयशा, आप मुझे बताएंगी पार्टीजन। सॉरी मैम, मुझे इसका नहीं समझ आया। ओके मैंने बताया था पार्टीजन वो होते हैं जो स्ट्रिक्टली किसी पार्टी को फॉलो करते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि उनका मतलब लीडर या जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या क्या खराबी है, लेकिन वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, आर्डेंट लवर हो सकते हैं, आर्डेंट फॉलोअर हो सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम ऑफ दिस सेशन। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।